गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो वी आर द चैप्टर एड्रेस। वी सो इन द लास्ट क्लास दैट द ऑथर शी वेंट टू द मिसेस एस द डार्लिंग्स और द डार्लिंग्स हाउस द सेकंड टाइम थिंकिंग दैट शी माइट गेट हर थिंग्स। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस देन हाउ सो द सेकंड टाइम व्हेन शी वेंट टू ऑनली वी सो इन द फर्स्ट टाइम व्हेन शी वेंट Darling just told that she is not having time to talk to her, she might not be able to help her. Second time when she went there, Darling was not there, but daughter greeted her. So let's see. My mother will be back soon. So wait kijiye, mera mother jaldi aayega. Said the girl, I have already made tea for her. Main tea ready karke rakha. Will you have a cup? Main tumhe bhi tea bana ke dun. Thank you. So I just told, thank you. I looked up. The girl put cups ready on the tea table. So she was getting the tea ready in the tea table. She had a broad back. Just like her mother, she was also having a broad back. Just like her mother. She poured tea from a white pot. Like white pot, so wo tea dala cup mein. All it had was a gold border on the lid. Iske lid ke paas a gold border tha. वो भी हमारे वो कप सॉसर जो टी कप थे वो भी मैं पहचान लिया। आई रिमेम्बर शी अपने बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट। तो उन्होंने एक शेल्फ खोल के वो डॉर्लिंग के बेटे कुछ सिल्वर स्पून्स निकाला, जो मुझे पता है वो भी हमारा ही हमारे थी थे। दैट्स नाइस बॉक्स आई हर्ड माय ओन वॉइस। तो मेरा वॉइस अंदर की वॉइस बोले ले गया, दैट्स वेरी नाइस, दैट्स ए नाइस बॉक्स। इट वाज अ स्ट्रेंज वॉइस एज दो ईच साउंड वाज डिफरेंट इन दिस रूम। ईच कमरे में एक एक आवाज अलग अलग लग रहा था, जैसे स्पून का लेना और टी डाला, मतलब सब अलग अलग थे। और आपस में मेरा साउंड भी अजीब लग रहा था जो अंदर से आया था। वो वॉइस में अंदर से आया बट वो उससे बाहर निकल गया। ये सुन तो लड़की बोले लगा, ओ यू नो अबाउट द शी हैड टर्न्ड अराउंड एंड ब्रॉट बाई माई टी। तो तुमने इस बॉक्स के बारे में सुना है, ये बोल के वो पहले टी ला के लिया। शी लास्ट माई मदर सेज इट्स एंटीक। मेरे मदर ने मुझसे बोला कि बहुत पुराना बॉक्स है, बहुत वैल्यूबल है, बहुत अच्छा चीज़ है। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, हमारे तो पास बहुत सारा है। ऐसे बोला डार्लिंग की बेटी, बट वो जो बहुत सारा है सब हमारे फादर के मम्मी के चीज़ें हैं। बट नाउ वो गर्ल बड़ा पोस्टिंग बड़ा गवर्न के साथ अपना चीजें बोल के बोल रहे थे, ये बहुत अजीब लगा ऑथर। शी पॉइंटेड राउंड द रूम सी फॉर योरसेल्फ, अगर तुम चाहे तो देख लो, बोल के वो इशारा किया रूम के कॉर्नर की तरफ। आई डोंट नीड टू फॉलो आवर हैंड्स। तो वो चीजें क्या है देखने के लिए, अभी वो कहाँ इशारा कर उधर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे खुद ही मालूम है कौन सी चीज़ के बारे में बता रहा है जो एक टाइम पे मेरे पास था, और वही चीज़ के बारे में बता रहा है। तो इसलिए मुझे उस चीज़ों को देखने की जरूरत नहीं, पहले ही मालूम है वो कौन कौन सा चीज़ है। आई न्यू विच थिंग शी मेंट। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ऑन द टी टेबल। और टी टेबल पर पड़ा हुआ कप सॉसर स्पून सब देखने लगे हमें। एज ए चाइल्ड आई ऑलवेज फैंसी द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट। प्यूटर प्लेट मतलब एक मेटालिक प्लेट है, उस पर एक एप्पल का पिक्चर बना हुआ था। मैं हमेशा मुझे इच्छा थी उस प्लेट पे खाने के लिए। कभी कभी आपको होता है कि आपके मदर आपके घर के शोकेस में या अंदर घर के शोकेस के अंदर कुछ प्लेट्स होगा, वो खूबसूरत होते हैं, आपको भी इच्छा होती है कभी कभी उसमें खाने के लिए। तो सेम टाइम मुझे भी वो प्लेट जो हमारे घर पे था पहले, उसमें खाने का इच्छा हुआ करते थे, ऐसे सोचा होता था। तो ऐसे चाइल्ड आई ऑलवेज फैंसी द एप्पल ऑन द प्यूटर प्लेट, मुझे हमेशा पसंद था इस तरह का प्लेट, ग्रे मेटल होता है प्यूटर प्लेट। ओके वी यूज इट फॉर एवरीथिंग शी सेड। हम इस चीज से सब मतलब बहुत काम के लिए लेते हैं। वंस इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर, तुम्हें मालूम है कुछ स्पेशल ओकेशन पे उधर जो लटका हुआ वो प्लेट है उसके लिए हमने खाया। और आई वांटेड टू सो मच बट इट वॉज एन एनीथिंग स्पेशल। वो बहुत मुझे बहुत इच्छा होता था उस प्लेट में खाने के लिए, बट खास खाना के जो डिफरेंस टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता, इट्स नॉट स्पेशल थिंग, बट इट वॉज एन एनीथिंग स्पेशल। उस
उसमें गाने से कोई स्पेशल नहीं है, बस इतना है कि वो प्लेन बड़ा अच्छा है। आई हैड फाउंड द बर्ड मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, तो टेबल क्लॉथ में मैंने अपना हाथ ऐसे डाला था अपने बर्ड का, पिछले दिन में ऐसे बॉर्डर पे ऐसे टच करा था, तो जहाँ पे बर्ड मार्क था टच किया मैंने। द गर्ल लुक क्वेश्चनिंग एट मी, तो ये देखकर गौर मुझे देखने लगे। यस आई सेड यू गेट सो यूज्ड टू टचिंग ऑल दिस लवली थिंग्स इन द हाउस, तुम तुम्हारे घर पे जितना भी थिंग्स है तुम उसको टच करके उससे आदत पड़ जाता है टच करना। यू हार्डली लुक एट देम एनीमोर, और इतना टच करते हैं कि तुम बाद में उसको देखते नहीं है, नोटिस नहीं करेगा उस चीज़ों को। नोटिस कब करेगा, जब वो चीज़ें उस कमरे से मिस हो जाते हैं। तो यही हुआ था हमारे ऑथर के पास के, जब वो उसके बाद जब वो मम्मी ने ये चीज़ें डॉर्मिंग को दिया था उस समय भी चीज़ें उधर है उन्होंने नोटिस नहीं किया था, उनको ध्यान नहीं था, बट वो चीज़ें मिस होते हैं तभी हमें पता लगता है कि ऐसी चीज़ हमारे घर पे थे। एंड वी नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लेंट इट, और वो चीज़ हम तभी नोटिस करेगा जब उसमें कुछ रिपेयरिंग कुछ काम वैसे से इस टेबल क्लॉथ पे बर्न हो गया या उन्हें किसी को उसको दिया गया फॉर एग्जाम्पल। So my dear friends, that is the end of today's class. Please read the chapter twice. Have a wonderful day. Thank you.